एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज दीक्षा एंड यू आर वॉचिंग पीटीएस कैट एक्सपर्ट। सो आज के इस वीडियो में हम 30 फीट बाय 60 फीट के प्लान को इन डिटेल एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो ये प्लान 2500 स्क्वायर फीट के अंदर बना हुआ है। इस प्लान का कवर्ड एरिया 1900 स्क्वायर फीट एंड बिल्डअप एरिया 4200 स्क्वायर फीट है। इस प्लान की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 16 लाख एंड इंटीरियर कॉस्ट 24 लाख है। तो इस प्रोजेक्ट की ओवरऑल कॉस्ट 40 लाख है एंड ये इस प्लान का 3D व्यू है। सो ये टू साइडेड ओपन प्लान है। ये इस प्लान की ऑटोकैड डिटेल्स हैं। इस प्लान की ऑटोकैड डिटेल्स ऑटोकैड के सभी वर्जन के अंदर अवेलेबल है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस फाइल के अंदर आपको AC ड्रॉइंग, बीम डिटेल्स, बाउंड्री वॉल डिटेल्स, कैमरा ड्रॉइंग, सीलिंग इलेक्ट्रिकल प्लान, कॉलम डिटेल्स, कॉलम लेआउट, डोर बीम प्लान, डोर विंडो डिटेल्स, DPC ड्रॉइंग, फ्लोर प्लान, फुटिंग लेआउट, प्लम्बिंग प्लान, रेनफोर्समेंट स्लैब प्लान, वॉल इलेक्ट्रिकल एंड वाटर टैंक डिटेल्स। इस टाइप की 26+ वर्किंग ड्रॉइंग्स मिलेंगी एंड ये इस प्लान की स्केचअप फाइल है। सो इस प्लान की स्केचअप फाइल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्लान को देख लेते हैं। तो ये हमारे प्लॉट की वर्किंग प्लान है। तो यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में मेन गेट मिल जाता है जिसका साइज अराउंड 10 फीट रखा गया है एंड यहाँ पर हमें फ्रंट लोन मिल जाता है। फ्रंट लोन का साइज 28 फीट 6 इंचेस बाय 6 फीट एंड 6 इंचेस रखा गया है एंड यहाँ पर आपको पार्किंग एरिया दिया हुआ है जिसके अंदर आप एक कार को ईजिली पार्क कर सकते हैं एंड इस पोर्शन के अंदर आपको स्टेयरकेस मिलते हैं जिसका साइज 8 फीट बाय 14 फीट एंड 9 इंचेस रखा गया है। हाउस के अंदर जाने के लिए आपको 3 एंट्रीज मिल जाती हैं। ये हमारी मेन एंट्री रहेगी, ये हमारी ऑफिस की तरफ से रहेगी एंड यहाँ से जो बैक के अंदर आपको मेन गेट मिला है वहाँ की तरफ से भी आपको एंट्री मिल जाती है। सो यहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं लॉबी के अंदर। लॉबी का साइज 19 फीट 9 इंचेस बाई 14 फीट एंड 9 इंचेस रखा गया है। लॉबी के अंदर आपको डाइनिंग एरिया एंड लिविंग एरिया अटैच मिलता है। यहाँ पर आपको 4 पर्सन की सिटिंग अवेलेबल है एंड साथ ही में आपको यहाँ पे सोफा सिटिंग एंड TV यूनिट भी मिलता है। तो यहाँ से आप ऑफिस के अंदर एंट्री करते हैं जिसका साइज 12 फीट 4.5 इंचेस बाई 12 फीट एंड 6 इंचेस है एंड इस पोर्शन के अंदर आपको एक डोर दिया हुआ है जो हमें फ्रंट लोन के अंदर एंट्री करता है एंड यहाँ पर आपको विंडो मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए। ऑफिस के अंदर आपको TV यूनिट, रिसेप्शन एरिया एंड वेटिंग एरिया मिल जाता है एंड यहाँ पे आपका आर्च रहेगा जिसके थ्रू हम किचन के अंदर एंट्री करेंगे। एल शेप के अंदर किचन को डिज़ाइन किया गया है जिसका साइज 7 फीट बाई 12 फीट एंड 6 इंचेस रखा गया है एंड वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे विंडो दी गई है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक बेडरूम मिलता है जिसका साइज 14 फीट बाई 12 फीट 1.5 इंचेस रखा गया है। बेडरूम के अंदर आपको एक बेड, TV यूनिट एंड ड्रेस एरिया मिलता है एंड साथ ही में आपको यहाँ पे टॉयलेट अटैच मिलता है। टॉयलेट का साइज 5 फीट बाई 4 फीट रखा गया है एंड वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे विंडो प्रोवाइडेड है। इसके बाद यहाँ पर हमारा सेकेंड बेडरूम है, इसका साइज 14 फीट बाई 12 फीट 1.5 इंचेस रखा गया है एंड यहाँ पर भी आपको एक सेपरेट एंट्री मिल जाती है जो कि बैक रूम में जाती है। साथ ही में आपको यहाँ पे वॉशरूम एरिया अटैच मिलता है जिसका साइज 8 फिट 4.5 इंचेस बाई 10 फिट 4.5 इंचेस रखा गया है। इसके बाद यहाँ पर हमारा बैक लॉन का साइज 23 फिट बाई 10 फिट रखा गया है जहाँ पर आप एक कार को इजीली पार्क कर सकते हैं। जैसे हम स्टेयरकेस के थ्रू एंट्री करते हैं यहाँ पर आपको एक मेन एंट्री मिल जाती है जो कि लॉबी के अंदर जाएगी। लॉबी का साइज यहाँ पर 19 फिट 9 इंचेस बाई 14 फिट एंड 9 इंचेस रखा गया है। सेम एज ग्राउंड फ्लोर यहाँ पर भी आपको डाइनिंग एंड लिविंग एरिया अटैच मिलता है एंड यहाँ पर आपको ड्राइंग रूम एक अलग से भी मिल जाता है जिसका साइज 12 फीट 4.5 इंचेस बाई 12 फीट एंड 6 इंचेस रखा गया है। इसके अंदर आप यहाँ पर आपको एक डोर मिल जाता है जो कि बालकनी के लिए है एंड वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पर एक विंडो प्रोवाइडेड है। इसके बाद यहाँ पर हमारा किचन रहेगा एल शेप के अंदर ही जिसका साइज 7 फीट बाई 12 फीट एंड 6 इंचेस रखा गया है। आपको यहाँ पर एक बेडरूम मिल जाएगा सेम जिसका साइज 14 फिट बाई 12 फिट 1.5 इंचेस है एंड वॉशरूम अटैच मिलेगा हमें यहाँ पे जिसका साइज 7 फिट 6 इंचेस बाई 6 फिट 7.5 इंचेस है एंड बेडरूम के अंदर आपको यहाँ पर एक विंडो प्रोवाइडेड है।
उसके बाद हम लोग एंट्री करते हैं बेडरूम नंबर 2 में। बेडरूम नंबर 2 का साइज 14 फिट बाई 12 फिट 1.5 इंच रखा गया है। एंड यहाँ पर आपको एक डोर दिया गया है जो कि बालकनी के लिए रहेगा हमारा। एंड इसके अंदर आपको ड्रेस एरिया एंड टॉयलेट एरिया सेपरेट मिलता है। ड्रेस एरिया का साइज 4 फिट 3 इंचेस बाई 8 फिट 4.5 इंचेस रखा गया है। एंड यहाँ से आपका वॉशरूम का साइज 8 फिट 4 इंचेस बाई 10 फिट 4.5 इंचेस रखा गया है। एंड यहाँ पर आपको एक विंडो प्रोवाइडेड है। तो ये हमारा ओवरऑल फर्स्ट फ्लोर है। इसके बाद मल्टी फ्लोर के अंदर आपको यहाँ पर एक बेडरूम मिल जाता है एंड वॉशरूम एरिया के साथ अटैच रहेगा। बेडरूम का साइज 14 फिट बाई 11 फिट एंड 9 इंच रखा गया है। एंड यहाँ पर आपको एक वाइड विंडो प्रोवाइडेड है। एंड वॉशरूम का साइज यहाँ पर 7 फिट 6 इंचेस बाई 10 फिट 4.5 इंच रखा गया है। सो ये हमारा ओवरऑल प्लान है। तो ये प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड इसी टाइप की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।